मुझे इतना मत आजमाओ। मोहब्बत को तो तुम पैरों तले कुचल चुकी हो। अपनी बहन की मोहब्बत को क्या करोगी? आसिफ भाई को कैसे पता है सब कुछ? उन्होंने मुझे समीर के साथ देख लिया था। तुम्हारी देखा देखी इसने भी वही रास्ता चुन लिया जिसका मुझे डर। तुम्हारे बड़ा काम वो सिप्टैन के दोस्त शहीर का छोटा भाई है। मरियम के घर में मरियम, सिप्टैन और उसके घर वालों की दावत की जाएगी। यहाँ आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि अनिला आपी सिप्टैन और मरियम के साथ उसके घर दावत पर जाएंगी और यहाँ वो आसिफ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होंगी और यही कहेंगी कि ये यहाँ पर क्यों है, क्योंकि उसे तो पुलिस पकड़ के ले गई थी और उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनकी दावत में ये लड़का भी मौजूद है। आसिफ भाई अपनी चालों से बाज नहीं आएंगे और वहाँ मरियम जब किचन में होगी तो उसके पीछे पीछे चला जाएगा, उसे यही कहेगा कि मैंने अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त कर ली, मेरी मोहब्बत को तो अपने पैरों तले रोन दिया, अब अपनी बहन की मोहब्बत का क्या करोगी। मरियम आसिफ भाई के मुंह से हया की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होगी और यहाँ हम देखेंगे कि वो हया से अकेले में यही पूछेगी कि आखिर आसिफ भाई को इन सारे मामलात का कैसे पता है और क्या चक्कर है, उसे सारी सच्चाई बताएगी। पर मरियम उससे यही पूछेगी कि आसिफ भाई को ये सब कुछ कैसे मालूम है, तो वो बता देगी कि आसिफ भाई ने एक दफा उसे उस लड़के के साथ देख लिया था। और इन दोनों के दरमियान होने वाली ये बातें मरियम की अम्मी भी सुन लेंगी और उन्हें इन दोनों पर इतना गुस्सा आएगा और वो आकर यही कहेंगी कि तुम्हारी देखा देखी इसने भी यही काम किया है, आखिर कौन है वो लड़का। और मरियम उन्हें बताएगी सिप्टैन के दोस्त शहीर का छोटा भाई है। और इन लोगों की ये बातें नीचे खड़ी अनिला आपी भी सुन लेंगी और अब हम देखेंगे कि अनिला आपी ये तमाम बातें सुनने के बाद क्या वावेला मचाती हैं।